नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और अग्नि परीक्षा में हम बड़ी खबरों पर ही बात करते हैं। तो बीजेपी ने शनिवार को उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पहले लिस्ट में 195 उम्मीदवारों के नाम ऐलान किए हैं। पहली लिस्ट में पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत कई और केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दिया गया है और वहीं कई मंत्री और मौजूदा सांसदों का टिकट भी काटा गया है। और अब इस बात को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने बीजेपी पर कई सवालों की बौछार कर दी और कांग्रेस के सवालों पर बीजेपी का कहना यह है कि कांग्रेस को पहले अपनी तैयारियों की चिंता करनी चाहिए। आज अग्नि परीक्षा में बात करेंगे कांग्रेस के सवालों से लेकर तैयारियों तक। चौबीस के चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और बीजेपी ने तो लोकसभा के रण में अपने योद्धाओं को उतारना भी शुरू कर दिया है। शनिवार रात बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की, तो कांग्रेस ने अपनी तैयारियां भूल बीजेपी की लिस्ट पर कई सवालों की बौछार शुरू कर दी है। और कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के 195 प्रत्याशियों की पहली सूची में कुछ मौजूदा सांसदों का नाम नहीं होने पर सवाल उठाए हैं। तो बीजेपी ने तमाम नेताओं की पहली लिस्ट को देश की तरक्की में नया अध्याय बताया है और फिर एक बार फिर मोदी का नाम लिया है, मोदी सरकार का नारा दिया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और विष्णुदेव साय ने पहली सूची आने के बाद दोनों ही राज्यों की सभी सीटों पर जीत का आश्वासन दिया है। अब एक तरफ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री प्रदेश की सभी सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं, तो इधर कांग्रेस बीजेपी की पहली लिस्ट पर सवाल खड़े कर रही है। कल प्रत्याशियों की सूची जारी हो चुकी है। सभी 11 लोकसभा सीटों में प्रत्याशी तय हुए हैं और बहुत अच्छी इसकी प्रतिक्रिया है और निश्चित रूप से 11 की 11 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज पूरी लोकसभा चुनाव के 195 माननीय सांसदों की सीट का अनाउंस किया गया है और इस सीट के माध्यम से संकेत हो गया है कि हम अपने सशक्त जनता के बीच लोकप्रिय उम्मीदवारों को लेकर के जा रहे हैं। अपने माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी मध्यप्रदेश की सभी सीटें जीत करके और देश की भी सभी सीटें जीत करके हम फिर एक बार 400 पार की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, जीत को लेकर बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त है और एक तरफ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री प्रदेश की सभी सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं, तो इधर कांग्रेस बीजेपी की पहली सूची पर सवाल खड़े करते हुए तंज कस रही है। जनता पार्टी पूरी तरह से बचते नजर आई, दूसरी तरह देखेंगे तो पूरी तरह से इस चेहरे पे गुटबाजी क्लियर साफ साफ दिख रहा है। जहां बृजमोहन अग्रवाल जैसे कद्दावर नेता जहां आज स्टेट में मंत्री है, उनको, सरोज पांडे को इस तरह से बलि का बकरा बनाया गया है, इसका ऑल ओवर टिकट देखे तो गुटबाजी और एंटी इनकम्बेंसी बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी निहत करते हैं। भाजपा की पोल खोलने वाला ये टिकट डिस्ट्रीब्यूशन है भारतीय जनता पार्टी ने, जहां परिवारवाद को बढ़ावा दिया, वन मंत्री की बीवी को टिकट देकर के, सांसद की बेटी हिमाद्री सिंह जी को टिकट देकर के परिवारवाद को बढ़ावा इन्होंने दिया। वहीं भ्रष्टाचार को जायज बताने वाले जनार्दन मिश्रा जी को टिकट देकर के इन्होंने बताया है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को ही टिकट देती है जो जनता को मुद्दों को दबा दें और भाजपा के एजेंडे को कैरी करें, और जनता से जिनका कोई सरोकार नहीं ऐसे लोगों को टिकट दिया गया है। इसका जवाब आने वाले चुनाव में जनता देगी। तो वहीं लोकसभा के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट को लेकर कांग्रेस ने सवालों की बौछार कर दी है। उन सवालों को भी आपको बता देते हैं कि क्या क्या सवाल खड़े किए हैं। पहला सवाल है, मौजूदा सांसदों का टिकट क्यों कटा है? दूसरा सवाल है, क्या टिकट कटने वाले सांसद अक्षम थे? तीसरा सवाल है, सांसद अक्षम तो जनता से माफी मांगेगी क्या बीजेपी? अगला सवाल है, क्या मोदी का जादू कम हो रहा है? और इसके बाद क्या सांसद बीजेपी से दूरी बना रहे हैं?
ये बड़े सवाल हैं। हालांकि कांग्रेस से बीजेपी ने यह कहा कि अपनी तैयारियों पर नजर रखें, लेकिन कांग्रेस की ओर से लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लोकसभा के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट आने के बाद से सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के नेताओं ने लिस्ट को लेकर जमकर निशाना साधा है। और देखिए, कांग्रेस की तरफ से नए चेहरों को उतारने पर तंज कसा गया है और कहा गया है कि अनुभवी लोगों को दरकिनार किया गया है। साथ ही ये भी कहा कि अगर पुराने चेहरे पर बीजेपी चुनाव लड़ती तो कहीं भी जीत नहीं मिलती। और कांग्रेस ने लिस्ट को लेकर बीजेपी पर मनमुटाव और परिवारवाद का भी आरोप लगाया है। साथ ही कांग्रेस ने बीजेपी को डूबता जहाज भी बता दिया है। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर पूरी तैयारियां कर रही हैं। चलिए अब एक नजर बीजेपी और कांग्रेस की तैयारियों पर डाल लेते हैं कि क्या तैयारियां चल रही हैं। बीजेपी ने पहली लिस्ट में 195 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है, लेकिन कांग्रेस की अभी तक चुनाव समिति की बैठक भी नहीं हुई है। बीजेपी ने अपनी लिस्ट में नए चेहरों को मौका दिया है, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवारों का भी कोई पता भी नहीं है। चुनाव के इस दौर में बीजेपी का कुनबा तो बढ़ रहा है, वहीं कांग्रेस के नेता हाथ का साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं। बीजेपी में मैराथन बैठकों का दौर जारी है और कांग्रेस में यात्राओं का दौर जारी है। बीजेपी कमजोर बूथों के लिए रणनीति बना रही है, वहीं कांग्रेस गठबंधन में तकरार से जूझ रही है। एक तरफ बीजेपी अभियानों से वोटर्स को साध रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी अंतर्कलह से परेशान है। बीजेपी के सभी नेता चुनाव प्रचार को लेकर एक्टिव है, राज्यों के दौरे कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में सिर्फ राहुल गांधी प्रचार की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। रायपुर से सत्यप्रकाश हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, देखिए कांग्रेस की ओर से पूरा तंज कसा जा रहा है, अपनी तैयारियों पर शायद ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बीजेपी भी हमलावर है कि हमारी लिस्ट आ गई है, आप अपनी तैयारियों को देखें। 11 सीटों पर नामों का ऐलान हो गया है छत्तीसगढ़ में, पूरी की पूरी सीटों पर, लेकिन कांग्रेस अभी तंज ही कस रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी में कल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है और कल जो बैठक है उसमें इस बात की पूरी संभावना लगभग है कि प्रत्याशियों के नामों पे एक राय बन जाए, प्रत्याशियों के नामों पे सहमति बन जाए। अब ये क्या 7 प्रत्याशियों के नामों पे, मतलब सभी 11 के 11 प्रत्याशियों के नामों पे सहमति कल बन जाएगी, ये देखना होगा। क्योंकि अगर सभी नामों पे सहमति बन गई तो मुझे लगता है कि अगले 2-3 दिनों में प्रत्याशियों के नाम कांग्रेस पार्टी भी अनाउंस कर सकती है। पहली जो लिस्ट आएगी उसमें छत्तीसगढ़ के सभी लोकसभा सीटों पे, 11 लोकसभा सीटों पे प्रत्याशी के नाम अनाउंस हो सकते हैं। लेकिन इस बात की संभावना लग रही है कि हो सकता है कि कल सभी नामों पे एक राय नहीं बने और कुछ ही, मतलब 5 से लेकर 7 लोकसभा सीटों के लिए ही पहले जो सूची आएगी कांग्रेस की उसमें प्रत्याशियों के नाम अनाउंस हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तैयारी जो है वो न सिर्फ प्रत्याशियों को लेकर आगे दिखाई दे रही है कांग्रेस पार्टी से, बल्कि जमीनी स्तर पे भी जिस तरह से बैठकों का दौर या बैठकों के दौर के साथ साथ कार्यकर्ताओं को, नेताओं को टास्क देने का दौर या उसे जमीनी स्तर पे इंप्लीमेंट करने के लिए कार्य योजना न सिर्फ बनाना बल्कि उस कार्य योजना का इंप्लीमेंटेशन भी करना, ये कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। और इसलिए राजनीतिक विश्लेषक, राजनीतिक पंडित ऐसा मान रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी से आगे फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड पे दिखाई दे रही है इस लोकसभा में तैयारियों को लेकर। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये जरूर दावा कर रही है कि वो भी ग्राउंड लेवल पे अपना काम कर रही है, भले ये जरूर है कि उसका आकलन उस तरह से नहीं हो रहा हो, लेकिन लगातार कार्यकर्ता जो है वो झंडा बुलंद कर रहे हैं पार्टी। ये तो देखेंगे जब लिस्ट जारी होगी और तब देखेंगे कि कितनी यहाँ पर इक्विजन बैठती है। मैं लौटूंगी, अजय दुबे हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए। अजय, देखिए लिस्ट बीजेपी की आई है और शायद सिरदर्द कांग्रेस का बढ़ गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि तैयारी बीजेपी की काफी तेजी से चल रही है, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि हम सोच समझ कर लिस्ट जारी करेंगे। तंज कसना तो पूरी तरह से जारी है। बिल्कुल, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 24 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी, अब उसे लेकर मध्य प्रदेश का सियासी पारा हाई हो चला है, क्योंकि कांग्रेस एक तरफ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लिस्ट जारी की उस पर कांग्रेस अब परिवारवाद का आरोप लगा रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री, वन मंत्री नागर सिंह चौहान जो है उनकी पत्नी को टिकट दिया गया, उसको लेकर परिवारवाद का कांग्रेस आरोप लगा रही है। उसके साथ साथ हिमाद्री सिंह को जिस तरह से टिकट दिया गया परिवारवाद का आरोप लगा रही है कांग्रेस। रीवा से सांसद जनार्दन मिश्रा उनको टिकट दिया गया, कांग्रेस का कहना है कि जो व्यक्ति कहता है कि भ्रष्टाचार
15 लाख तक का भ्रष्टाचार जो है सामान्य बात है, जो भ्रष्टाचार नहीं मानते ऐसे व्यक्तियों को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी है, कांग्रेस का आरोप है। हालांकि मध्य प्रदेश में अभी तक कांग्रेस ये साफ नहीं कर पाई है कि आखिर ये जो जीतू पटवारी अलग अलग बयानों में कहते रहे हैं कि हम जल्द टिकट जारी करेंगे, लेकिन अब जो स्थिति है ये कयास लगाया जा रहा है कि 4 से 5 दिन बाद जो है कांग्रेस जो है अपनी भी लिस्ट जारी कर सकती है, क्योंकि सीईसी की बैठक कांग्रेस में होने वाली है। लेकिन कांग्रेस भी जमीनी स्तर पर तैयारी है, चूंकि अब मध्य प्रदेश में राहुल गांधी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, राहुल गांधी मध्य प्रदेश में है, किसानों से बातचीत कर रहे हैं। कल भी राहुल गांधी यहां पर मध्य प्रदेश में गुना और ब्यौरा जिले में जब जाएंगे, खाट पर बैठकर किसानों से बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे। लेकिन राहुल गांधी अपने न्याय यात्रा के जरिए कांग्रेस को कितना न्याय दिला पाते हैं ये तो उनके न्याय यात्रा के बाद जब लोकसभा का चुनाव होगा उसके बाद पता चलेगा। लेकिन कांग्रेस भी अपने उम्मीदवारों को लेकर पहले साफ कर दी है कि हम 50% युवाओं को, नए चेहरों को जगह देंगे, और उसके साथ जरूरत पड़ी तो हमारे जो दिग्गज नेता है, जो बड़े चेहरे हैं, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे उसके साथ साथ अन्य नेता हो, उनको भी चुनावी मैदान में कांग्रेस उतार सकती है। तो इस बार महिलाओं को, युवाओं को, हर वर्ग को साधने की कोशिश कांग्रेस भी कर रही है। यात्रा मुरैना से एंट्री ली है और उसके बाद तो साफ नजर आ रहा है, जैसे जैसे संवाद आगे बढ़ा है ये साफ नजर आया है कि वर्गों को साधने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस की ओर से। मैं लौटती हूँ सत्य प्रकाश आपके पास आना चाहूंगी एक बार फिर से, क्योंकि जब हम कांग्रेस की बात करते हैं तो विधानसभा चुनावों के परिणामों को लेकर भी एक रणनीति शायद कांग्रेस तय करे, क्योंकि कांग्रेस का ये कहना कि इस बार हम ही सीटें जीतेंगे और बड़ी संख्या में यहां पर देखिए जो कार्यकर्ता है वो तैयारी करते नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या वो अंतरकलह शांत हो गया, क्योंकि विधानसभा में जब सीटों का बंटवारा हुआ था उस वक्त ये अंतरकलह काफी उजागर हुआ था। देखिए अब लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा के चुनाव के वक्त विधानसभा में जो कुछ भी हुआ था कांग्रेस पार्टी में उससे भुलाना होगा, नहीं अगर कांग्रेस पार्टी भुलाती है तो इसका खामियाजा विधानसभा चुनाव की तरह लोकसभा में भी भुगतना पड़ सकता है कांग्रेस पार्टी को, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। दूसरी ओर अगर हम कहें तो कांग्रेस पार्टी के सामने अब एक नई चुनौती ये भी है कि जो भी शॉर्ट लिस्टेड उन्होंने नाम किया होगा, जो पैनल बनाया होगा, उसमें संशोधन करने पड़ सकते हैं, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं और कई सारे दिग्गजों को मैदान में उतारा है, बड़े चेहरों को मैदान में उतारा है, नए कुछ लोग हैं, 3-4 लोग ऐसे हैं जो नए हैं, लेकिन मैक्सिमम अगर हम देखें तो पुराने चेहरे हैं, कोई पूर्व विधायक है, कोई पूर्व सांसद है, कोई मौजूदा वक्त में मंत्री है, सांसद है, उन्हें भी टिकट मिला है। तो ऐसे वक्त में अब देखिए मतलब राजनांदगांव से संतोष पांडे, संगठन में बड़े ओहदे पे उन्होंने काम किया, इससे पहले अभी भी सांसद हैं, फिर से लोकसभा का टिकट किया। विजय बघेल, वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने 2023 में उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था, अभी सांसद है, फिर टिकट मिल गया है, बड़े ओबीसी चेहरे हैं। ब्रजमोहन अग्रवाल, सरोज पांडे, भोजराज नाथ पहले विधायक रहे, चिंतामणि महाराज, या तो हम कहे रूप कुमारी चौधरी, मतलब सब ऐसे नेता हैं जिनके सामने मुझे लगता है कि बड़े चेहरों को कांग्रेस पार्टी को उतारना पड़ेगा। हालांकि ये बातचीत कांग्रेस पार्टी में भीतर खाने चली भी थी पहले, तो अब देखना ये होगा। एक चुनौती ये भी है कांग्रेस पार्टी में कि प्रत्याशी चयन अब क्या नए सिरे से फिर से मंथन के साथ होगा। बिल्कुल, चलिए लौटती हूँ अजय आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि कांग्रेस आरोप ये लगा रही है कि अनुभवी नेता नहीं है जो लिस्ट में नाम है, क्या वाकई में जमीनी स्तर पर देखा जाए, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर हमेशा देखते भी हैं, और लिस्ट में क्या वाकई में कोई कमी है? देखिए भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में नया प्रयोग हर बार करती है और इस बार भी अलग अलग चेहरों को मौका दिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को यह पता है कि मध्य प्रदेश में पूरी तरह पिच और पूरी तरह से चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस तरह से विधानसभा चुनाव में बंपर जीत हुई है, उसके बाद मोदी के चेहरे पर जिस तरह से विधानसभा चुनाव में जीत हुई, और ये भारतीय जनता पार्टी को भली भांति पता है कि मध्य प्रदेश में नए प्रयोग किए जा सकते हैं। यही कारण है कि 10 से 11 नए चेहरों को जो है मध्य प्रदेश में चुनावी मैदान में उतारा गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है। इतनी बड़ी चुनौती, सत्य प्रकाश आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो देखिए 195 नामों का ऐलान हो चुका है बीजेपी की ओर से, और ऐसे में आप देखना ये होगा कि क्या कुछ और अहम रहता है, किस रणनीति के साथ आगे बीजेपी बढ़ती है।